नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले आम के ऊपर कलम किस तरह करना है आपको। जो छोटे पौधे रहते 1 से 2 महीने पुराने, जस्ट गुठलियों से निकले रहते, तो देखिए हमने काट लिया है एक स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए एक पौधे को जो 1 से 2 महीने पुराना है। आपको लेना पड़ेगा सायन। तो सायन आप अपने आसपास के एरिया से, आपके जो परिचित में मित्र हो या बगीचे हो, 100-150 किलोमीटर में बगीचे तो आराम से ही मिल ही जाते हैं आसपास के एरिया से, तो वहाँ से आप सायन लाइए। सायन मतलब जो कलम करने के लिए लकड़ी लेते हैं हम आम की, वह 8 से 12 महीने पुरानी चाहिए। तो सबसे पहले आपको रूट स्टॉक को काट लेना है। ये देखिए किस तरह काटा है हमने। तो यहाँ हाइट कितनी रखना, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। नियरली 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की हाइट। अब जो सायन है, सायन की लेंथ कितनी चाहिए, तो वहाँ 15 से 20 सेंटीमीटर चाहिए। और उस पर जो बॉटम साइड है उस पर वी शेप बनाना, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ वी शेप कितना साइज का चाहिए, तो वहाँ 3 to 5 सेंटीमीटर का चाहिए। कोई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ लेंथ। अब इसके बाद में आपको रूट स्टॉक पे वर्टिकल कट मारना है 3 to 5 सेंटीमीटर। अगर आपने 3 सेंटीमीटर का अगर मारा होगा कट, तो आपको 3 सेंटीमीटर का जो साइन पे मारे हैं आपने वी शेप, उतना ही आपको रूट स्टॉक पे। अगर 5 सेंटीमीटर का आप वी शेप बनाएंगे तो 5 सेंटीमीटर आपको रूट स्टॉक पे भी बनाना है। उसके बाद में आपको साइन को फिट करना है। तो आपको साइन सिलेक्शन के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, साइन किस तरह चुनना है आपको। इंस्टेंट साइन, डिफोलिएटेड साइन, उसके बारे में हमने जानकारी दिया है, तो आप चेक करिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स कुछ पेड़ पे कलम किस तरह करना है, जैसे कि मान लीजिए चीकू हो, जामुन के पौधे पे, बेर पे, और किस तरह से आपको कलम करना है उसके बारे में भी जानकारी दी है। तो उसके बाद में ये जो पॉलीथीन हम यूज़ कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग टेप का है पॉलीथीन, जो हमने पहले ही काट लिया था। तो आप चाहे तो यहाँ 0 माइक्रोन का है, तो आप पॉलीथीन हाउस जो शॉप्स रहते हैं आपके एरिया में, जो जहाँ पे पन्नी ही बिकती है ओनली, तो वहाँ पे आप 0 माइक्रोन की पॉलीथीन ला सकते हैं। या आप चाहे तो घर पर आप शक्कर वगैरह लाते हैं, तो वहाँ भी पॉलीथीन आप यूज़ कर सकते हैं 0 माइक्रोन वाली, जिससे वर्टिकल आपको स्ट्रिप्स बनानी है, और उसको आप वर्टिकल स्ट्रिप्स आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी बड़े पेड़ों पे भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ है हमारे मित्र पूरनलाल जी नागपुर, जो प्रोफेशनल गार्डनर है। अगर आपको अगर बगीचा लगाना है तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। तो ये देखिए साइड ड्राफ्टिंग का रिजल्ट, एक हमने किया था एक ही पेड़ पे 3 साइड ड्राफ्टिंग, 2 साइड ड्राफ्टिंग और 1 V ग्राफ्टिंग करे हैं हमने। तो ये देखिए किस तरह से, तो जो साइड ग्राफ्टिंग करते तो उसके ऊपर के पौधे को काट लेना चाहिए, जो मूल पौधा है। पर हमारे को एक प्रैक्टिकल शो करना था आपको, तो इस वजह से हमने एक ही पौधे पे 2 किए। तो इनके भी वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में डाले हुए विथ रिजल्ट एंड केयर, उसके भी वीडियोस हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप चेक करिए। देखिए किस तरह से हमने साइड ग्राफ्टिंग बांधा है, और इसी पौधे पे हमने वी ग्राफ्टिंग भी किया है एट द टॉप, देखते जाइए। तो यहाँ पॉलीथीन आपको कितने दिनों के बाद खोलनी है, तो यहाँ भी बहुत लोगों को सवाल आता है। तो यहाँ जो पॉलीथीन है जॉइंट वाली, तो वहाँ आपको 3 महीने 90 दिन मिनिमम रखिए। अगर वो फांसीनुमा अगर लग रहा है कि साइज कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब सायन एकदम ज़्यादा मोटी हो गई है, तो आप फिर एज पर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ ग्रोथ कितनी हो रही है सायन की, तो उस हिसाब से, नहीं तो मिनिमम 90 दिन आप रख सकते हैं। और इन पौधों को कहाँ रखना है आपको, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप छाँव में रखिए, जैसे कि गाड़ी की रखने का शेड हो, या पेड़ के नीचे में जहाँ इनडायरेक्ट तरीके से सनलाइट पहुँचता हो, एकदम किसी तरह की तकलीफ ना हो, मतलब पेड़ों को डायरेक्ट सनराइज में ना रखें, क्योंकि ये ऑपरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और उस वजह से पॉकेट के प्लांट्स मर सकते हैं जो साइन आपने फिट करी है। तो ये देखिए अनादर रिजल्ट है, यह बार ग्राफ्टिंग है, हमने उंगली नुमा पोर्शन पे हमने बार ग्राफ्टिंग करी है। इसमें देखिए 3 से 4 पत्तियों की लेयर आ चुकी है, और न्यू स्प्राउटिंग्स भी हो रही है, देखिए कितनी फास्ट हो रही है। तो यहाँ बड़े पेड़ पे की है, इस वजह से इसकी ग्रोथ फास्ट है एज़ कम्पेयर टू पॉकेट प्लांट। यहाँ भी डिपेंड करता है आपने सॉइल को किस तरह की उसकी करा है। तो ये देखिए ये जॉइंट है, तो इसे लगभग 1 से 2 महीने पूरे हो चुके हैं।
तो इसके ऊपर में इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है, रिजल्ट वीडियोस और अंगूठे नुमा पोर्शन पे किस तरह आपको करना है ग्राफ्टिंग, उसके वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में आप चाहिए चेक करिए। अगर आपको भी हम वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलें। तो हमारे ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करिए। धन्यवाद।